आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हरी मिर्च का भरवा अचार बनाना चीरा लगा के। ठीक है, ये हम दोस्तों मैंने 250 ग्राम के करीब हरी मिर्च ले ली। सबसे पहले इसको अच्छे से साफ कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए सुखा लेंगे और इसकी डंडियां जो होती है तोड़ लेंगे, अच्छे से साफ कर लेंगे इसे, नहीं तो इससे मिर्च का अचार खराब हो जाता है। फिर मैं इसमें क्या करूंगी, मिर्च में चीरा लगाऊंगी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मैंने मसाले क्या यूज किए हैं। सबसे पहले तो मैंने ले लिए सौंफ 4 चम्मच, एक या 1.5 चम्मच के करीब मेथी दाना, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा और 3 चम्मच के करीब। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हरी मिर्च का भरवा अचार बनाना चीरा लगा के। सबसे पहले मैंने क्या लिए, 250 ग्राम हरी मिर्च लिए, उसके बाद उसको मैं अच्छे से साफ कर लिया है मैंने, और फिर उसको अच्छे से पोंछ के सुखा लेंगे और फिर उसमें हम चीरा लगाएंगे। चीरा लगा के एक तरफ रख देंगे हरी मिर्च, ठीक है, इस टाइप से। और उसके लिए मसाले क्या यूज़ करूँगी, सबसे पहले तो मैंने 4 चम्मच सौंफ ले लिए और 1.5 चम्मच के करीब मेथी दाना, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा और ये मैंने पीली और जो हमारी बारीक राई होती है काली वाली वो मैंने मिक्स करके ले ली है। आप चाहे तो कोई सी भी एक यूज़ कर सकते हैं। और 1 चम्मच हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा हम इसमें तेल यूज़ करेंगे मसालों में, और थोड़ा सा 3-4 चम्मच हम सिरका ऐड करेंगे। ठीक है, इन मसालों को हम क्या करेंगे, पहले हल्का भून लेंगे, फिर दरदरा पीस लेंगे और फिर उसमें हम मसाले हल्दी नमक तेल और सिरका ऐड करके इसमें भर देंगे। ठीक है, इसमें अब मैं चीरा लगाती हूँ मिर्चों में। इस टाइप से चीरा लगा देंगे। ताकि हम मसाला भर सकें। ये मैंने चीरा लगा के कुछ रख लिया है। इसी टाइप से हम सारी मिर्चों में चीरा लगा लेंगे मसाला भरने के लिए। आज मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले तो मैंने 200 ग्राम हरी मिर्च ली, उसको अच्छे से धो लिया और फिर पोंछ के सुखा लिया। फिर उसमें हम क्या करेंगे, कट मार के चीरा लगा देंगे, क्योंकि मिर्च का भरवा अचार है। ठीक है, इस टाइप से सारी मिर्चें मैंने कट कर दी। फिर मैंने क्या किया, जीरा सौंफ अजवाइन और मेथी जो है इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया। ठीक है, हल्का भून लिया और भूनने के बाद अच्छे से खुशबू आएगी और सीलन की वजह से मसाले खराब भी हो जाते हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, मिक्सी जार में दरदरा पीस लेंगे। ठीक है, तो बाकी ये हल्दी है, राई है और ये हमारा सिरका है, नमक है और तेल है, इसको हम बाद में मिक्स करेंगे। मसाले डाल दिए हैं, अब हम इसको मिक्सी जार में डाल दिए, इसको हम दरदरा पीस लेंगे। ये हमारे मसाले दरदरे पीस रहे हैं, इसको हम एक बर्तन में डाल दिए इस पर। अब हम राई पीस लेंगे, ये राई है, इसको भी हम हल्का पीस लेंगे। पीस ली है हल्की दरदरी टाइप की, ये भी हम इसमें डाल देंगे। मसाले पिस चुके हैं दरदरे, अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच हल्दी और नमक स्वाद के अनुसार। अगर नमक थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो उससे अचार ख़राब नहीं होता है। आप चाहे तो इसमें काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इसमें सीधा नमक यूज़ कर रही हूँ। आप दोनों को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच सिरका। सिरका हमारा प्रिजर्वेटिव का काम करता है, इससे हमारा अचार लंबे टाइम के लिए सुरक्षित रहता है। आप चाहे तो इसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं, सिरका नींबू का रस या अमचूर पाउडर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो भी हो।
मैं इसमें सिरका यूज कर रही हूँ, 3 से 4 चम्मच। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस टाइप से, 3 से 4 चम्मच। मैंने इसमें सरसों का तेल भी मिला लिया है। ये हमारे मसाले तैयार हो चुके हैं, अब हम इनको मिर्चों में भरेंगे। आप चाहें तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं कलर के लिए। ये हमारे मसाले बनके तैयार हैं, अब हम ये सारी मिर्चों को इसमें भर लेंगे। अच्छे से भर लेंगे हम मसाले। मिर्च का, ये हमारा मिर्च का भरवा अचार बन के तैयार है। अब इसे हम प्लास्टिक के या कांच के कंटेनर में रख देंगे ताकि ये लंबे टाइम समय तक प्रिजर्व रहे। ये मैंने बताया था आपको कि मसाला पहले मैंने सबसे पहले ड्राई रोस्ट किया, मेथी सौंफ जीरा अजवाइन, ठीक है, उसमें हल्दी नमक और थोड़ा सा सिरका और तेल मैंने मिला लिया। उसके बाद मैंने मिर्चों में फिल कर लिया। अब मैं इन मिर्चों को कंटेनर में, किसी भी कंटेनर को पहले साफ करके पोंछ लें अच्छे से, फिर उसमें थोड़ा सा तेल लगा लें चारों तरफ से, फिर उसके बाद इसमें मिर्च रखें, ठीक है, इस टाइप से। 3-4 दिन तक इसको हमें धूप भी लगाना है, उसके बाद ये हमारा अचार अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा और आप इसे खा सकते हैं फैमिली के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, दाल चावल रोटी, इस टाइप से। ये हमारा अच्छा सा अचार मिर्च का चटपटा बन के तैयार हो जाएगा। इसमें हम थोड़ा सा तेल भी डाल देंगे। अच्छे से हमने मिर्चें चीरा लगा के भर लिए और इस टाइप से 2-3 दिन में हमारा अचार बन के तैयार हो जाएगा। जो मसाला होगा हमारा वो हम इसमें ऐसे ही डाल देंगे, बचा हुआ मसाला मिर्चों के ऊपर से। और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे तेल। अचार बनके तैयार है, 2-3 दिन में ये खाने लायक हो जाएगा।